देवाद्रि श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जय देवाद्रि श्री महावीर भगवान की जय। जय जय संत श्रोमणी गुरुलाचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। जय जय आप लोगों की आवाज कम आ रही है। गुणायतन पीड़िता शंका समाधान भावना एक प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी महाराज की जय। जय जय मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। देवी अहिल्या की नगरी मालवा की शान इंदौर के आचार्य श्री विद्यासागर परिसर से प्रातःकालीन बेला में हम और आप परम पूज मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व पारस चैनल जिनवाणी चैनल आदिनार चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो इस कार्यक्रम को देख और सुन रहे हैं उन सभी का और यहां पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। चलते हैं हम और आप आज की मांगलिक क्रिया के अंतर्गत शास्त्र भेंट करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं राजीव जी सुनील जी मुरादाबाद सिंपल जी अंकिता जी गुणायतन श्रोमणी इंदौर हेमंत संकीता जी कोटा और श्रीमान पन्नालाल जी वेनाडा ये सभी आएंगे परम पूज मुनिवर के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। जिन वाणी जग मैया जन्मे दुख मेट दो जन्मे दुख मेट दो मरणे दुख मेट दो जिन वाणी जग मैया जन्मे दुख मेट दो। और आइए हम और आप परम पूज मुनि श्री के मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन का लाभ लेंगे। जिन परिवारों ने आज की मांगलिक क्रिया संपन्न की है अतिथि दीर्घा में जाके स्थान ग्रहण करें। आइए चलते हैं परम पूज मुनि श्री से मंगल उद्बोधन मंगल प्रवचन के लिए हम और आप निवेदन करें। उसके ऊपर आपसे कहना चाहूंगा आगामी दस लक्षण महापर्व के अवसर पर बृहद संस्कार श्रावक संस्कार शिविर आयोजित किया जा रहा है जिसका रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि ऑनलाइन मैनुअल और ऑनलाइन 25 अगस्त को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है उन सभी के लिए ये सूचना है कि 25 अगस्त के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगा। इसलिए आप इस संस्कार शिविर में उपस्थित होना चाहते हैं तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा के आप इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही कार्तिक माह की अष्टानिका में परम पूज मुनिवर के सानिध्य में इंदौर नगर में प्रथम बार 108 108 मंडली सिद्ध चक्र महामंडल विधान में सिद्धों की आराधना करने का सौभाग्य इंदौर के श्रावक श्राविकाओं को प्राप्त हो रहा है। जो भी इस अनुष्ठान में पूरे परिवार के साथ कहा जाता है कि जीवन में एक बार सिद्धों की आराधना सिद्ध चक्र महामंडल विधान के अंतर्गत करनी चाहिए। जिनके भाव होते हैं अपने परिवार के साथ इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कमेटी कार्यालय में आप अपने मंडल को आरक्षित करा आगामी अष्टानिका पर्व में सिद्धों की आराधना जो सिद्ध पद को प्राप्त करने के लिए साधना कर रहे हैं ऐसे मुनि संघ के सानिध्य में आप ये अवसर प्राप्त कर सकते हैं। सामान्य इंद्रदानी भी इस अनुष्ठान में बैठने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। वे अपने नाम कमेटी कार्यालय में लिखा के आप सुनिश्चित कर लें क्योंकि स्थान बहुत ही सीमित है। और आइए चलते हैं हम और आप इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा सभी अतिथि दीर्घा वहां पर पहुंच जावे। अब श्रीफल चाने की कोई व्यवस्था नहीं है कार्यक्रम के बाद ये व्यवस्था रखी जाएगी। आइए चलते हैं परम पूज मुनिवर डॉक्टर शैलेश जी अगर उपस्थित हैं तो श्रीफल चाके गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आइए चलते हैं मंगल प्रवचन मंगल उद्बोधन के लिए हम और आप निवेदन करेंगे परम पूज मुनि संधान सागर जी महाराज से। हे मुनिवर अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को सदुपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे बोले परम पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। दोनों हाथ जोड़ लें। मंड
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताही जाते वै अरहंतादिमान जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुदी गुरु हैं हितेसी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने वंदु उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बोले मोहतावन में विराजमान चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की जय 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 मम शिक्षा गुरु परम पूज्य मुनि श्री एक्सवाट प्रमाण सागर जी महाराज की जय पूज्य मुनि श्री एक्सवाट निर्वीत सागर जी महाराज की जय 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 बोले परम पूज्य मुनि श्री संधान सागर जी महाराज की किसी ने बहुत अच्छा कहा है कि जिंदगी कोई पेन ड्राइव की तरह नहीं, पेन ड्राइव में क्या होता है जो गाना आपको पसंद होता है वो सुन लेते हो, तो जिंदगी कोई पेन ड्राइव की तरह नहीं जो गाना हमें पसंद हो वो सुन लें, जिंदगी तो रेडियो की तरह है जो बज रहा है वही सुनना होगा, जिंदगी तो रेडियो की तरह है बस जो बज रहा है उसमें आनंद ले लो, जिंदगी का आपको भी आनंद आना होगा। और फिर वह नहीं, एक व्यक्ति से पूछा क्यों भाई क्यों जी रहे हो, बोले इसलिए कि मरे नहीं। आज के अधिकतर इंसानों की यही हालत हो जाती है, वो ढो रहे हैं जिंदगी का आनंद ले नहीं रहे। बंधुओं बड़ी दुर्लभता से मिला है, जब बोधि दुर्लभ भावना का आप चिंतन करते हो, हम चिंतन करते हैं तो आंखों में पानी आ जाता है कि कितनी दुर्लभता से। कहते हैं कार्तिक के अनुप्रेक्षा में स्वामी कार्तिकेय महाराज कि बैलों के ऊपर जो वो रखी जाती है ना उनके कंधों पर जुआ, उसमें जो बीच में कील डालते हैं, एक सीधा रहता है बैलगाड़ी में तो उसमें कीला डालते हैं, अब वो कीला दो कीले दोनों में डले हैं और वो दोनों कीले दूर समुद्र में कहीं फेंक दिए हों, जैसे उनका आपस में मिलना और हमें मिलना वह कठिन है, वैसे ही यह दुर्लभ मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभता से मिला है, सरलता से नहीं मिला। अधिकतर या अनंत जीव तो केवल मात्र एकेंद्रीय है, असंख्यात असंख्यात जो बोलते हैं ना वो भी पूरे एकेंद्रीय नहीं है, समझ में आ रहा है, पूरे एकेंद्रीय असंख्यात असंख्यात है लेकिन अनंत पूरे एकेंद्रीय नहीं है। अनंत कौन है? अनंत केवल वनस्पति है, पृथ्वी काइट जल काइट अग्नि काइट और वायु काइट ये चार धातु कहलाते हैं, ये अनंत नहीं है। वनस्पति काइट अनंत केवल एक ही मात्र, बाकी असंख्यात असंख्यात।
और दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, ये बोलने की कला दो इंद्रिय से आ जाती है। तो ये दो इंद्रिय से बहुत दुर्लभता से वचन मिले, और फिर उसके आगे पंचेंद्रिय, उसमें भी संगी और असंगी जब ये देखते हैं और विचार करते हैं तो लगता है कि यह मनुष्य भाव बड़ा ही दुर्लभ है, लेकिन हम इसको यूं ही खो देते हैं। कल आप लोगों को मैंने दृष्टि के बारे में बताया कि जैसी दृष्टि होती है वैसी ही सृष्टि हमारी बन जाती है। बस हमें देखने का नजरिया आना चाहिए। हम लाख कोशिश कर लें अच्छे से अच्छा मिले, लेकिन धर्म हमको यही सिखाता है बेटा जो मिला है उसको अच्छा बना ले। समझ में आया? हम चाहते तो हैं कि बहुत अच्छे से अच्छे सब चीजें, हर चीज, संबंध अच्छे हो, संपत्ति हमको अच्छी मिले, सत्ता हमको मिले, लेकिन ये सब हमको अच्छे मिल जाएं, हमारे पुण्य में जितना होगा उतना ही मिलेगा, लेकिन हमारी मनस्थिति को हम अच्छा बना सकते हैं ये हमारी हाथ की बात है। बस वो अपने हाथ में ले लो तो निश्चित जो आपको अच्छा नहीं भी मिला उसको आप अच्छा प्रस्तुत कर लेंगे, और अन्यथा आपको कितना भी अच्छा मिले केवल मात्र हम उसमें मीन मेट ही निकालते रहेंगे, ये उसी में जिंदगी चली जाएगी। आप देख लीजिए बहुत कम हैं जो किसी की पंडित में जाए और उसका गुण गा दे, वो 70 व्यंजन बनाएगा, आप लोगों को अच्छे से खिलाएगा, लेकिन आप लोग बाहर निकलकर वही बात बोलते, अरे क्या बताएं, सब्जी में तो नमक ही नहीं था। ये होता ही है, इस स्वभाव है ऐसा, लेकिन उस स्वभाव को बदलने के लिए ही अपन सब यहां पर बैठे हैं। वो बदलेगा तभी ही हमारा, देखो कर्म के बांधने में हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, भोगने में नहीं। क्या बोला? कर्म तो उदय में आएगा, अपन ने जो बांधा है वो उदय में आएगा, आए अब उस समय रोना है या हंसना है ये मेरे ऊपर है। उसको रो के भोगूंगा तो भी वो तो आएगा, और हंस के भोगूंगा तो भी आएगा, हमारे ऊपर निर्भर है। आगामी कर्म अब न बंधे ये हमारे हाथ में है, इसमें स्वतंत्र है, लेकिन उदय में नहीं। इसलिए पाप करके डरो नहीं। क्या बोला? पाप करके नहीं डरो, पाप करने से डरो। आदमी पाप करके, हाय राम, हाय तोबा, महाराज बचा लो, महाराज रिजल्ट कैसा आएगा, महाराज मैंने, तो भैया तूने लिखा था वही आएगा ना, तुम काय के लाने इतना घबरा रहा है, जो हमने लिखा वही तो आ रहा है, कोई अलग से कुछ व्यवस्था है ही नहीं। मेरे लिए भी वही है, आपके लिए भी वही है, चाहे यहां पर हो, चाहे कहीं पर भी हो, चाहे भीतर हो, चाहे बाहर हो, बस यही है। सुख दुख दोनों रहते जिसमें, जीवन है वो गांव, कभी धूप कभी छांव, और ऊपर वाला पासा फेंके नीचे चलते दांव, ऐसा बोलते हैं। लेकिन आचार्य श्री जी ने ये पलट के थोड़ा सा बोलते हैं, गुरु जी जो बोलते हैं वो बोलते हैं कि बाहर वाला पासा फेंके और भीतर चलते दांव, कभी धूप कभी छांव। बाहर वाला तो पासा फेंकेगा, उसको तो पासा फेंकना ही है, चाहे ये बाहर का जितना एटमोस्फियर हमें नजर आ रहा है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव, चेतन या अचेतन, सबसे हमारे अंदर में राजद्वेष होगा। यहाँ पे मान लीजिए बैठने की अच्छी व्यवस्था नहीं बनाते तो हमें ऐसा लगता है, अरे क्या है ये, बिल्कुल हवा नहीं है तो लगता है। तो बाहर में तो आपको वैसा वातावरण मिलेगा, लेकिन भीतर में हम वैसे परिणाम करें ये कोई जरूरी
नहीं है, लेकिन आपकी हम लोगों की हालत तो उस ट्यूबलाइट से गई बीती है जो ऊपर जल रही है। उस ट्यूबलाइट का तो एक स्विच है, उस स्विच को ऑन करेंगे तो जल जाती है और ऑफ करेंगे तो बंद हो जाती है। लेकिन आपकी स्थिति कैसी है बोलो, जब कभी भी कोई ट्यूबलाइट आपकी जलाता है आप जल जाते हैं, और थोड़ी भी आपकी कोई बुराई कर दिया तो आप खोल जाते हैं। दूसरे ने प्रसन्नता में दो शब्द बोल दिए आप तुरंत खिल जाते हैं, और दूसरे ने हमारे लिए बुराई के दो शब्द बोल दिए हम खोल जाते हैं। भैया अपनी जिंदगी उस ट्यूबलाइट से भी खराब मत मनाओ कि कोई भी आपकी ट्यूबलाइट को कभी भी जला दे और कभी भी बुझा दे। संत कहते हैं अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रखो, दूसरों के हाथ में मत दो। अपनी ट्यूबलाइट का स्विच अपने हाथ में रहे, दूसरा हमको क्यों जलाएं? कर्म का उदय आएगा, दूसरा बोल नहीं। मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, बोलो पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग किसने किया? गलत। कमठ तो सामने बना हुआ जीव का जो कर्म है, उनका कर्म के उदय में कमठ सामने नजर आ रहा है। आप लोग उसी को ही सामने देख लेते हो। समय सार में आचार्य कुंद ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि एक स्वान वृत्ति मूक माटी में भी ये उदाहरण है आचार्य भगवान का, कि एक होती है स्वान वृत्ति और एक सिंह वृत्ति। स्वान वृत्ति में क्या होता है कि कुत्ते के ऊपर कोई ढेला मारे तो होता है कि कुत्ता उस ढेले की ओर दौड़ता है, तब तक दो चार ढेले उसके ऊपर और पड़ जाते हैं। सिंह के ऊपर कोई गोली चलाता है तो शेर उस गोली को नहीं देखता, गोली के डायरेक्शन को देखता है, ये गोली आई कहां से। बस वो देखते ही सामने वाले के तो पसीना छूटना ही होता है। इसी प्रकार से हमें सामने वाला निमित्त कौन है इस पर मत देखो, हमारा उपादान क्या है ये देखो। याद करो सीता का वह उदाहरण, जो रामचंद्र जी को नहीं कोसती, कृतांत वक्र को नहीं कोसती कि मुझे गर्भवती हूं और जंगल में छोड़ा जा रहा है, लेकिन वो रोती गाती नहीं, बिल बिलाती नहीं, यहां तो कोर्ट के अंदर चले जाएं। अगर सामने मुनि महाराज जी भी हो तो, कल प्रश्न आया था ना संकट समाधान में, बहनों ने पूछा कि महाराज जी थोड़ा सा भी यदि कुछ बोल देते हैं तो पेरेंट्स लोग खड़े हो जाते हैं, आ जाते हैं तुरंत कि हमारे बच्चे को क्या है, और फिर आगे पाठशाला में भी नहीं भेजते। ये क्या हो रहा है? कछु नहीं हो रहा है, इस पे ध्यान दो। हमारी मानसिकता कहां जा रही है, हम किधर जा रहे हैं। सीता का वह उदाहरण महाराज जी के लिए भी प्रेरणा देने वाला हो जाता है। निमित्त की ओर हम न देखें, उपादान को भी देखें। हमने जो किया है उसका फल हमको मिल रहा है। बस रामचंद्र जी से इतना ही कहना कि जैसे मुझे छोड़ दिया वैसे दूसरों की बातों में आके धर्म को मत छोड़ देना। सबसे बड़ा रोग और क्या कहेंगे लोग, आज यही रोग खा रहा है सबको, क्या कहेंगे लोग। अरे कुछ नहीं कहेंगे, मेरा जितना स्टैंडर्ड है उतना पांव पसारो ना। एक बार रात सपने में बापू आए और पूछे संदान सागर क्या हो रहा है, संदान सागर जी क्या हो रहा है। मैंने बोला चादर है छोटी और पांव पसार के सो रहा है, चादर है छोटी और पांव पसार के सोरिया है। आज के हर इंसान की यही कहानी है, चादर उसकी क्या है। आज चाहे कोई सी भी बात ले लो आप, एक सुबह से लेकर शाम तक की हर चीज में यही आता है।
चाहे वो चोटा भी लगा रहा है, तो उसको दुख इस बात का नहीं कि खाली गया 8% भी नहीं, उसको उसको दुख इस बात का है कि अब लोग क्या कहेंगे। खाली जाने का दुख नहीं है, दुख इस बात का है कि लोग क्या सोचेंगे, उनके यहां तो 2 दिन में हो गए, मेरे यहां 20 दिन में नहीं हो रहे। ये चीजें जो हो रही है, अरे कुछ नहीं कहेंगे, मेरी निर्जरा ज्यादा हो रही है, ये आप बिल्कुल भी नहीं सोच पा रहे। वो 20 दिन निर्जरा किया, ये 2 दिन में बन करके भट गया, बड़े महाराज जी के हो गए तो बन कर दिया उसने, तो 2 ही दिन निर्जरा हुई ना उसकी। बोलो 20 दिन की निर्जरा ज्यादा या 2 दिन वाले की निर्जरा ज्यादा? आप दिमाग बढ़िया आदमी हो, थोड़ा पढ़ता तो लगाओ। ये चीजें आप लोगों के दिमाग में आई नहीं रही, हर चीज में वही, धर्म में भी, घर गृहस्थी में भी, समाज के अंदर में भी, तो आपस में एक दूसरे से वैमनस्यता हो जाती है। फिर वो भैया जी को कोसते हैं, महाराज जी को ऊपर देखते हैं, महाराज जी ने ऐसा किया उसने से, ये निमित्त और उपादान पर हमारी दृष्टि नहीं रहने से ये सारे के सारे झगड़े झमेले हो रहे हैं। यदि हम इस पर आ जाएंगे तो कोई भी कुछ भी नहीं कहेगा। गुरु जी बहुत अच्छा हाइकू दिए हैं, मत दिलाओ विश्वास लोट आता व्यवहार से, लोट आता व्यवहार से, बस विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं, कसम खाने की जरूरत नहीं। मैं गीता पर कसम खाता हूं कि मैं जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के अलावा कुछ नहीं बोलूंगा, क्या जरूरत है इसकी। हमारे यहां तो भारत में वो संस्कृति थी, यदि जैन व्यक्ति न्यायालय में चला जाता था तो उसको कोई खत्म करने की जरूरत नहीं, और न उसको कोई गीता न कोई किसी हाथ रखने की जरूरत, केवल जैन है ये मात्र काफी हो जाता था कि नहीं ये झूठ नहीं बोलेगा। और आज आज हर बड़े स्कैंडल में कहीं ना कहीं कोई घुसा हुआ है, हाँ JIN लिखा हुआ मिल जाएगा। बोलो कोई ना कोई घोटाला बड़ा, उसमें कहीं ना कहीं किसका हाथ हो रहा, चाहे वो हर्षद मेहता हो चाहे कोई सा भी मेहता हो। तो ये क्यों अपन ने अपनी सारी की सारी संस्कृति, सारे के सारे संस्कारों को हमने धीरे धीरे तिलांजलि देना शुरू किया, और आज इस स्थिति पर आप पहुंचे हैं कि यदि नहीं जागेंगे तो आगे की स्थिति बहुत भयावह नजर आ रही है, चाहे वो स्वास्थ्य की दृष्टि से देख लो, चाहे वो धार्मिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो पारिवारिक दृष्टि से देख लो, चाहे वो राष्ट्रीय दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से अपन देख लें। कल दृष्टियों की बात की थी, तो बस मत दिलाओ विश्वास लौट आता व्यवहार से। फिर गुरु जी ने कहा उड़ना भूली, उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा, उठ उड़ जा। हमारे भीतर में बहुत शक्ति है लेकिन हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये अध्यात्म में भी लगा लो, व्यवहार में भी लगा लो, घर में भी लगा लो, बाहर भी लगा लो, दफ्तर में भी लगा लो, और ऑफिस में अपना वहां पे मंदिर में भी लगा लो, सब जगह। उड़ना भूली सोने की चिड़िया तू, उठ उड़ जा। हमारे अंदर में वह आत्मशक्ति ऐसी प्रबल है जिसके माध्यम से हम अपने मोह के वशीभूत होकर हम उड़ना ही भूल गए, विदेशी संस्कृति को अपना कर हम उड़ना ही भूल गए। ऐसा मत करो, हमारे अंदर में अनंत शक्ति है, अपार शक्ति है। भारत को दूसरे को देखने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद विश्व गुरु था, है और रहेगा, बस हमें दूसरे को देखने की जरूरत नहीं, खुद को देखने की जरूरत नहीं है। इसलिए खुद को देखें तो बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन क्या करें, आदमी पिछलग्गू बना हुआ है और बस थोड़ा सा देखा और जरूरत नहीं भी है तो भी वो जरूरत बना लेता है। न जाने ऐसा क्या हो रहा है, पहले आवश्यकता आविष्कार की जननी थी, अब आविष्कार आवश्यकता की जननी हो गया। बोलो पहले का जो किसान होता था ना, वो किसान के घर में आप जाओ तो उसका घर इतना व्यवस्थित रहता था, और जहां जहां जो जो चीज की जरूरत होती थी सब चीज उसको 1 सेकंड में मिल जाती थी। और अब इंटीरियर डेकोरेशन कराते हैं,
और उससे बोले बेटा वो चीज लेके आना, तो सुबह से शाम हो जाती है वो आई नहीं पाती है। बोलो क्यों? आवश्यकता आविष्कार की जननी नहीं, आविष्कार को आपने आवश्यकता बना लिया है। आप देख लीजिए कंपनी आपको क्या, कंपनियां कैसे मूर्ख बना रही है। पहले वो प्रोडक्ट बनाती है, उसकी आवश्यकता क्रिएट करती है, और फिर आप, आपके पास में सैमसंग के 4 मोबाइल घर में रखे हुए भी हैं, उनको किनारे कर देते हैं, अब तो वो ही मोबाइल चाहिए जो टेलीविजन में आया था। क्या करेंगे आप घर में? ये इस तरह का हो रहा है। पीछे भी देखो, पिछलग्गू न बनो, पीछे रहोगे। ये गुरु जी का हाइकू। अति संधान अनुसंधान नहीं, संधान साधो। आज अति संधान हो रहा है, हर बात में अति संधान, अनुसंधान कोई भी नहीं कर पा रहा है। सही दिशा में एक कदम चलना अच्छा है, गलत दिशा में 1000 कदम चलने की अपेक्षा। गलत दिशा में हम 1000 कदम नहीं, दुरंतो मेट्रो आपकी जो फास्ट ट्रैक है उस पे भी आपको चलना अच्छा नहीं, बैलगाड़ी से धीरे धीरे ही चलना अच्छा, लेकिन वो मोक्ष मार्ग में पहुंचाएगी, ये आपको गड्ढे के अंदर पहुंचाएगी। कौन सी खाड़ी में? बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेंगे कोई पता नहीं, बस हम आगे जाकर उस अंधेरे में और ना उलझ जाएं। इसके लिए बहुत सारी बातें हैं, उन बातों को फिर आपके सामने और रखेंगे। आज तो इतना ही कि अपनी दृष्टि को बदल लें। रेडियो का गाना हमको बहुत पसंद है, जो बज रहा है वही अच्छा है, पेन ड्राइव के पीछे मत पड़ो, उसमें जो चाहें वो सुन ले, ऐसा हमें करने की आवश्यकता नहीं है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। और आइए चलते हैं परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी से मंगल उद्बोधन, मंगल प्रवचन का लाभ लें। उसके पूर्व कहना चाहूंगा टीवी चैनल के माध्यम से जो इन प्रवचनों को सुन रहे हैं, कल से 16 कांड पर विशेष प्रवचन परम पूज मुनि श्री परमार सागर जी महाराज के मुखाग्नि से संपन्न होंगे। जो भी टीवी चैनल के माध्यम से कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपना समय निश्चित करें और यहाँ पर जो श्रावक श्राविका हैं, समय निश्चित करके यहाँ पर उपस्थित होंगे तो 16 कांड पर 16 भावना पर मंगल प्रवचन का लाभ हमें आपको मिलेगा। आइए चलते हैं, आप सभी की ओर से परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं। हे मुनिवर, अपनी दिव्य देशना के माध्यम से हम सभी को शब्दोपदेश देकर हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें। दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज की। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतम गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्व धर्मानां जैनं जयतु शासनम्। वंदे विद्यासागरम्। जय बोली अहिंसा परमो धर्म के। जय 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 शासन नायक भगवान महावीर स्वामी के। जय 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 आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद महाराज के। जय 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 आचार्य गुरुवर श्री विद्या सागर जी महाराज के। जय 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 गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज के। जय 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 बोले परम पूज मुनि श्री निर्वेक सागर जी महाराज के। नमोस्तु गुरुवर। पतित से परमात्मा बनने की यात्रा का वर्णन करते हुए गुरुवर विद्यासागर जी महाराज ने मूक माटी महाकाव्य की रचना की। एक माटी को रूपक बनाया, जैसे माटी घट का रूप धारण कर लेती है, उसी प्रकार एक पतित आत्मा भी परमात्मा बन सकती है।
वह पतित आत्मा कैसे परमात्मा बने, यह कुछ उसके उपादान के ऊपर आधारित है तो कुछ निमित्त के ऊपर भी आधारित है। किसी भी कार्य की पूर्णता में दो कारण हुआ करते हैं, एक उपादान कारण और दूसरा निमित्त कारण। स्वयं की योग्यता का होना उपादान कारण है और उसमें सहयोगी की उपलब्धता होना निमित्त कारण है। जैसे माटी से घट बना तो लाल माटी से घट बना कि काली माटी से घट बना? काली मिट्टी से वह घट का निर्माण होता है, तो वह मिट्टी तो हो गई उपादान कारण, किंतु कुंभकार ने उस माटी को घट बनाया सो कुंभकार हो गया निमित्त कारण। अलंग शक्तिर भवितव्यतेयम हेतुद्वया विस्कृत कार लिंग। आचार्य समुद्रव स्वामी ने यह पंक्तियाँ सुपार्श्वनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखी हैं। हमारे जीवन में अनेक संकल्प विकल्प तभी पैदा होते हैं जब हमारी दृष्टि समीचीन कारण की ओर नहीं जाती। मात्र एक कारण से कभी भी कार्य नहीं होता, जैसे कि एक पंख से कोई कभी पक्षी उड़ नहीं सकता। यदि आप यहाँ पर प्रवचन सुनने आए हैं तो उसमें दो कारण हैं, एक तो आपके मन के भाव और दूसरा आपके परिवार की अनुकूलता, अथवा महाराज यहाँ पर सुनाने को मिल रहे हैं इसलिए आप आ गए। नहीं मिलते तो महाराज नहीं होते और आपके भाव भी होते सुनने के तो भी आप नहीं आते, और महाराज यहाँ पर हैं किंतु आपके भाव नहीं हैं तो भी यहाँ पर सुनने के लिए नहीं आते। तो मूक माटी में बहुत अच्छा प्रसंग आचार्य महाराज ने वर्णित किया है। हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू पर वहाँ पर एक बहुत सटीक तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया है। एक प्रसंग आपके समक्ष रख रहा हूँ। जब माटी को उपाश्रम से लेकर के आया शिल्पी और उसने माटी को छान लिया, तो छानते समय कंकर पत्थर ऊपर रह गए और मृदु माटी नीचे आ गई, और जो कंकर पत्थर ऊपर रह गए वो बहुत नाराज हुए कि आपने हमें अलग क्यों कर दिया। सो यहाँ पर शिल्पी ने उसका समाधान भी किया और कंकरों को अपनी कमी महसूस हुई और कंकर रोने लगे और कहते, हमें ऐसा मंत्र दो जिससे हमारा हीरे के जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बने और खरा बने कंचन सा। तो माटी की मुस्कान कहती है, संयम की राह चलो, राही बनना ही तो हीरा बनना है, क्योंकि राही शब्द स्वयं पलट करके कह रहा है रा ही रा। यदि हम संयम की राह पर चलेंगे तो निश्चित हमारा जीवन हीरे के समान बहुमूल्य बनेगा और फिर हमें अपना परिचय देने की कोई आवश्यकता। हीरा मुख से ना कहे लाख हमारो मोल। बहुत बढ़िया मंत्र गुरु जी ने यहाँ पर दिया है। हर व्यक्ति अपने आप को बहुत बहुमूल्य बनाना चाहता है तो संयम की राह चलो। दूसरी एक प्रश्न और उसने पूछा था, तो आचार्य महाराज ने कहा है, तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना होगा। तन और मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना होगा, यतना घोर करना होगा, तब कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा, क्योंकि खरा शब्द भी स्वयं विलोम रूप से कह रहा है राख बने बिना खरा दर्शन कहाँ। राख खरा, तन को और मन को राख करना होगा, तपा तपा कर जला जला कर, तब कहीं चेतन आत्मा खरा उतरेगा। खरा माने आप लोग जानते ना, शुद्ध। आखिर मेरे आत्म तत्व की शुद्धता मुझे कैसे प्राप्त हो, तो तन और मन दोनों को तपाना होगा। अब आपके समक्ष वह अवसर आने वाला है
जबकि आप तपस्या के माध्यम से अपने जीवन की राह को उन्नति की दिशा दे सकते हैं। कल या आज से 16 कारण पर्व प्रारंभ हो चुके हैं और आगामी दिनों में 10 लक्षण पर्व आने वाले हैं। बहुत से लोग उत्साहित होते हैं कि हम तप को अंगीकार करेंगे, अभी तक 11 महीने भले कोई साधना नहीं कर पाए किंतु भादों के माह में बहुत सारे भदैया, तीन प्रकार के श्रावक होते हैं, सदैया, भदैया और लड़ैया। लड़ैया जो अनंत चतुर्दशी के दिन मरैया, अच्छा वो लड़ैया मरैया एक हो गए। अच्छा वो मरैया होती जो शमशान घाट में, अच्छा हमने ऐसा भी हो सकता, हमने तो ऐसा सुना था कि एक तो होते सदैया जो हमेशा पूजन पाठ मंदिर में आते हैं, दूसरे भदैया होते वो 10 दिन आते हैं, और तीसरे लड़ैया होते जो मीटिंग में ही आते हैं। जब कोई मंदिर में मीटिंग होने वाले की खतरनाक उड़े तो पूरे आ जाएंगे बिना बुलाए, जैसे अंतिम यात्रा में आते ना सब आ जाते हैं, उनको उस मीटिंग में बुलाना नहीं पड़ता, उनको पता है यहाँ जाएंगे तो आज अच्छा माहौल है। कई नेता वगैरह होते ना चुनाव ना के समय मंदिर पहुँचते, बाकी टाइम उनको नहीं मिलता। तो यहाँ पर अभी भादों का पक्ष चल रहा है और बहुत से लोग तप का भाव बना रहे हैं, किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो तप से बहुत डरते हैं। महाराज व्रत उपवास की हमसे नहीं कहो, और इसमें मात्र छोटे लोगों की संख्या नहीं है, बड़े बड़े लोग भी तप से डरते हैं, किंतु वास्तव में तप हमारे लिए अत्यंत हितकारी है। जैसे आप हलवा बनाते हैं, शक्कर आटा और घी तीनों मिला दी जाए किंतु उसमें सुगंधि नहीं फूटती। कब तक नहीं फूटती? जब तक उसको तपाया ना जाए, और जैसी अग्नि में उसको तपाया जाता है और वो सेंकते हैं ना आटा को, तो कसार बन जाता है। तो जब तप की अग्नि उसमें लगती है तो ऐसी सुगंधि फूटती है कि अड़ोस पड़ोस में पता चल जाता है कि सेठ जी के यहाँ पर हलवा बनने वाला। तो ये सुगंधि कैसे आई? तप के माध्यम से आई। इसी प्रकार हमारे जीवन में यदि सुगंधि और आनंद आपको चाहिए, रूटीन से आप लोग पूरी जिंदगी जी रहे हैं लेकिन आपको वो आनंद अभी नहीं आया होगा जो आनंद आपको तप के माध्यम से आने वाला है, ये बात निश्चित है। कई लोगों को इसलिए भी तप लगता है क्योंकि नशेड़ी जो होते हैं ना, नशे के कारण कोई तप नहीं कर पाते, जैसे चाय का नशा। सबसे ज़्यादा व्रत उपास है चाय पीने वाले, क्योंकि चाय नहीं मिली तो शाम तक चक्कर आने लगता है। ये नशा बहुत खतरनाक है, और 2-3 दिन में अगर ये नशा उतर गया ना तो व्रत उपवास का आनंद आपको आने लगेगा। आपने देखा होगा अभी भी आपके सामने दादाजी बैठे हैं, और ऐसे श्रावक जो 16-16, 32 उपवास, 10 उपवास करते हैं, इनको कष्ट होता है कि आनंद आता है, ये बताओ, झूठ बोले सही सही बताना। तो व्रत नियम उपवास करने पर आनंद आता है कि कष्ट होता है? सामने वाले को भले कष्ट लगे, और थोड़ा बहुत तो कष्ट जिंदगी में आता ही है, ये बताओ रोज भोजन करने वाले को कोई कष्ट होता कि नहीं होता? और ज़्यादा होता है, उपवास के दिन तो शरीर हल्का फुल्का हो जाता है। एक श्रावक हमारे पास आए थे, उन्होंने बताया कि मुझे इतनी बीमारी थी कि मैं प्रति माह, ये सन 92 के पहले या 2000 के सन की पहले की बात है, प्रति माह मुझे 5,000 से 8,000 रुपये महीने की दवाई खानी पड़ती थी, और आज लगा लो तो 50,000 रुपये महीने की दवाई। वहाँ पे कोई महाराज आए, उन्होंने बताया व्रत उपवास से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, और उन्होंने उपवास करना शुरू किया। 1 साल हो गए, पताने लगे मुझे अब 5 रुपये की भी दवाई नहीं खानी पड़ती, और मेरा शरीर पूर्णतः उपवास से स्वस्थ हो गया। त्रिदोष नाशनम लंघनम, उपवास से बात पित कब तीनों शांत हो जाते हैं। हमने अपने एक संस्मरण, हम भी कभी उपवास नहीं करते थे, हमें सबसे ज़्यादा डर लगता था उपवास से, और आज तक हमने बेला नहीं किया, ये भी सुन लो, अकेला किया एक उपवास। वो तो जब आचार्य महाराज की संलेखना के एक दिन पहले ही हमारा अष्टमी को उपवास था, अब दूसरे दिन आचार्य की समाधि हो गई, अब उस समय क्या करें, तो उस दिन वो दूसरा उपवास हो गया जिंदगी में पहली बार। और एक बार इंदौर में हुआ था, जब गोमट गिरी में वर्षा योग हो रहा था,
उपवास की पारणा थी और वो नीचे उतर के गए, तो पेड़ के नीचे से हम उतरे, उसी समय कौवे ने बीट कर दी, कबूतर ने, और पूरी बीट शरीर पे गिर गई, तो वो अलाप हो गया था। ऐसे दो बार जीवन में बेला किया। हम भी बहुत डरते थे एक और, लेकिन अस्वस्थ बहुत हमारा शरीर था। जब गोमटगिरी में चातुर्मास उस समय यदि किसी को याद हो तो बिल्कुल शरीर सिंगल हड्डी था, और दीक्षा के समय तो बिल्कुल बांस जैसे दिखते थे, आसपास कुछ नहीं था। और बिल्कुल, और हमारा अमरकंटक में जब वर्षा योग हुआ पूज श्री के सानिध्य में, तो हमें कफ बहुत बनता था, बहुत तकलीफ होती थी, शरीर में भी वीकनेस थी, बुखार भी कई बार आता था। तो आचार्य को जानकारी तो सब रहती थी। एक दिन हम आचार्य भक्ति होने के बाद आचार्य निर्वेक, तुम रुक जाओ, सबको जाने दो। सब महाराज चले गए। हमने पता नहीं क्या गलती हो गई, गुरुजी ने कैसे क्या रोक लिया। तो ले देखो एक बात कहें आपसे, आप उपवास किया करो, ये उपवास से आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। तो हमने कहा आचार्य महाराज एक आसन तो अच्छे से होता नहीं, एक बार भोजन भी भरपेट हो नहीं पाता, अनुकूलता बनती नहीं है, आप उपवास की ग्रह ये तो हमसे नहीं बनेगा, और हमसे कैसे धारणा ही नहीं हमारी उपवास की, एक बार भोजन करे यही बहुत, मैं हमसे नहीं बनेगा। हमने कह के नमोस्तु करके चले। हाँ बोले देख लेना जैसा हो, मैंने आपको बता दिया, चलेगा। और जब सामायिक करने बैठे तो मन में बड़ा विकल्प हुआ कि गुरुजी ने पहली बार तो कुछ कहा, आप समझ जाए जो भी हम लोगों ने त्याग किया कभी गुरुजी ने हमसे कहा ही नहीं कि नमक मीठा छोड़ दो, ट्राइब ये छोड़, कभी नहीं कहते वो। लेकिन उनके चरण सन्निधि का ये प्रताप है कि अपने आप त्याग के भाव बनते रहते और हम लोग उस मार्ग पे चले गए। अब हमने कहा आचार्य जी ने पहली बार तो कुछ अपने से कहा है और अपन आज तक मना कर दें, अच्छा नहीं। उस समय भले मना कर दिया लेकिन सामायिक में बड़ा विकल्प हुआ। ये निश्चित है सामायिक के क्षण वो होते हैं जिस समय हमें अपराध और गलतियों का बोध होता है, और तुरंत हमें लगा नहीं हमने गलती कर दी, गुरु की बात नहीं टालना चाहिए था। उसी समय स्मरण में आया हमने चारी चक्रवर्ती ग्रंथ पढ़ा था, उसमें शांति सागर महाराज जी का संस्मरण पढ़ा कि एक ब्रह्मचारी जी को कुष्ठ रोग हो गया था और वे इतने हताश हो गए थे कि वो मरण करने, आत्महत्या करने के विचार से घर से निकले थे, और वो चलो मैं एक बार गुरु के दर्शन कर लूँ, तो आचार्य महाराज के दर्शन करने गए। उन्होंने कहा नहीं, आत्महत्या करना तो बहुत बड़ा पाप है महाराज, मैं क्या करूं, ये जो मेरे शरीर में कुष्ठ रोग हो गया इससे समाज में मैं मुंह दिखा के जी भी नहीं सकता, कहीं जाता हूं लोग मुझे अच्छी नज़र से नहीं देखते, अब मैं तो हताश हो चुका हूं। महाराज ने कहा नहीं बेटा, एक काम करो, तुम दिन में 3 बार एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना। और फिर एक महीने बाद बताना क्या हुआ, वो गया, उसने भी संकल्प ले लिया अगर मेरा ये रोग दूर हो गया तो मैं आपकी चरणों में छुल्लक दीक्षा ग्रहण करूंगा। और एक माह तक उसने भक्ति भाव पूर्वक तीनों समय एक ही भाव स्तोत्र का पाठ करना शुरू किया और उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। और वो महाराज के पास जब पहुंचा तो महाराज को बताया, महाराज मेरा स्वास्थ्य, पूरा शरीर उसका कुष्ठ रोग दूर हो गया और वह व्यक्ति चंगा भला हो कि उसने छुल्लक दीक्षा ले ली, ब्रह्मचारी नेमी चंद शायद उनका नाम। वो घटना स्मरण में थी। और बादीराज मुनिराज के जीवन में जब बादीराज मुनि को कुष्ठ रोग हो गया था तब उन्होंने रचना की थी, तो हमने सोचा चलो गुरु जी से इसी बहाने इस व्रत को ले लेते हैं। हम गए सामायिक के बाद, हमने आचार्य से कहा, आचार्य जी हम आपकी बात तो स्वीकार करते हैं और हम एक ही भाव स्तोत्र के 25 उसमें काव्य हैं, इतने उपवास करेंगे, लेकिन कब तक करेंगे इसकी हम कोई गारंटी या नियम से बंधते नहीं, कोई तिथि से नहीं, कोई तारीख से नहीं। लेकिन हाँ उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपने मन बताया करो, तो और आशीर्वाद दिया। और उसके बाद जब हमने उपवास करना शुरू किया, जिस दिन उपवास करते थे उस दिन आंखें खुलती नहीं थी, सारे दिन आंखें बंद करके लेटे रहना और पुस्तक पढ़ने का तो नाम ही नहीं, क्योंकि हिम्मत ही नहीं रहती थी। फिर भी गुरु जी ने आशीर्वाद दिया हमें करना ही है, और जब संकल्प बना के करना शुरू किया उस समय का है, और वो सन अंत कब की बात होगी, 2000 सन की बात है। और बाद में धीरे धीरे अभ्यास बढ़ गया तो ऐसा उपवास हो गया कि आज हम किसी प्रकार की औषधि के बिना भी
अपने शरीर को स्वस्थ रखने में सक्षम हो सके। नहीं तो डॉक्टरों ने सो परेशान कर दिया था, ऐसी दवाइयाँ वगैरह देते थे बिल्कुल शरीर में आग और बरसने लगती थी, और जितना पर्याप्त भोजन, लेकिन उपवास एक ऐसी औषधि हमें मिल गई, अब हमें लगता हमें मरण से भी अब डर नहीं लगता। पहले लगता पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये उपवास जैसी औषधि नहीं है। हमारे सानिध्य में जो भी आता है, और जितनी भी आपकी बीमारियों, शुगर वालों को तो और ज़रूर उपवास करना चाहिए। डॉक्टर की मानो कि हमारी मानो, एक बार हमारी मान के देखो, शुगर वाले ऐसे पेशेंट हमारे पास है जिनकी शुगर हमेशा 300 से 400 रहती है, और वो हमारे पहले सभी हम लोग परीक्षण में शिविर लगाते थे, 10-10 उपवास करते हैं, मात एक गिलास पानी लेकर के, और जाते समय उनकी शुगर होती है 120 और 125, और आते हैं तो 350-400 लेकर के आते हैं। वास्तव में तप का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है, और इसीलिए कभी भी नहीं घबराना। आप ये आगे जो पर्यूषण परवादी आने वाले, एक बार गुरु सन्निधि में बैठ कर के उसका आनंद लेकर के देखो। और जब तपस्या कर एक तालवेट में हमारा चातुर्मास हुआ, और उस समय हमने पर्यूषण में जब चतुर्दशी के दिन सबको कहा, भैया जितने शिवरात्रि हैं सबको उपवास करना है। एक दादाजी आ बोले, महाराज मैं उपवास नहीं कर सकता, मैंने सन 75 में उपवास किया था, मुझे सारी रात तारे दिखे थे, और मैं आज तक उपवास नहीं करा ना मैं करूँगा। हमने कहा कोई बात नहीं, जो लोग कर रहे वो करे, नहीं करो। उन्होंने नहीं, कोई संकल्प नहीं लिया, और तीसरे दिन, दूसरे दिन उपवास हो गया, सब बच्चों उन्होंने नहीं लिया, और तीसरे सुबह सुबह वो हमारे पास आए, बोले महाराज मैंने कल संकल्प तो नहीं लिया था, नहीं कल दिन भर निर्जला उपवास किया, और मुझे इतना आनंद आ रहा है, आज एक उपवास और मुझे दे दो। हमने कहा रहने दे भैया, 75 की फिर याद आ जाएगी, एक ही उपवास करो। उसके बाद उन्होंने भक्तांबर के 48 उपवास एक साल में कर लिए। जब तक हम तप से जुड़ते नहीं, तब तक हमें डर लगता है। आज हमारे शरीर को डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं है, आज हमारे शरीर को तप की आवश्यकता है, क्योंकि हमारा शरीर खाने से, नहीं खाने से बीमार नहीं होता, खाने से बीमार होता है। और गर्म पानी जैसी कोई औषधि नहीं। अभी यहाँ पे विद्यांजलि जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो भैया ने हमें बताया, जब वो लंदन में था, एक बार उसको बुखार आ गया, अब वो डॉक्टर को दिखाने गया, अरे तुम तो हिंदुस्तानी हो, तुम्हें हमारी दवाई की कोई आवश्यकता नहीं, मात 3 दिन तुम अच्छा गर्म पानी ले लो और बस फिर बताना मुझे। उसने ऐसा ही किया, 3 दिन तक गर्म पानी दिन में 2-3 बार लिया, और तीसरे दिन थोड़ी कमजोरी जरूर लगी, किंतु बुखार ऐसा गायब हो गया कि अभी तक उसको बुखार का नाम भी पता नहीं। अर्थात हमारे जीवन में जितना तप संयम होता है, उतना हमारे जीवन में सुगंधी फूटती है और जीवन में आनंद आता है। इसलिए तन या मन को तप की आग में तपा तपा कर राख करना हो। हमारे यहाँ पर श्रावकों के लिए 6 दिन की 6 रस 7 दिन की रसी बताई है। रसी जानते हैं आप लोग, आज कौन सा दिन है? बुधवार, बुधवार है ना। बुधवार को घी नहीं खाना, हो सकता नहीं हो सकता, अपना हाथ जगन्नाथ बनाना तो अपने को है ना। आज घी नहीं खाना, ऐसा नियम नहीं दे रहे आपको, प्रैक्टिकल करके देखना, आनंद आता कि नहीं आता। कल क्या है? गुरुवार। गुरुवार को दूध नहीं लेना। शुक्रवार को दही का त्याग करो। शनिवार को तेल का त्याग। रविवार को नमक। अरे महाराज ये तो बहुत कठिन है। कोई बात नहीं, ऊपर से नमक नहीं लेना, जो सब्जी में डला हो सो ले लेना। रविवार को नमक का त्याग। सोमवार को हरी सब्जी नहीं लेना। एक दिन गुरुजी को याद रखो, हम लोग गुरुजी की स्मृति दिवस मनाते हैं, हर सोमवार को हम याद ही, हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज हरी नहीं लेते थे, हमारे संदान सागर जी महाराज कोई हरी सब्जी नहीं लेते। एक दिन गुरुओं का स्मरण करो कि कैसे भी पूरी साधना कर, एक दिन कोई हरी सब्जी हम नहीं लेंगे, ज़्यादा है तो एकाध सब्जी रख लो जिसको नहीं भाई। मंगलवार को दूध नहीं लेना, मीठा, मंगलवार को मीठा। अब बताओ ये कठिन है क्या? आज से मंगलाचरण करो, तपस्या आज से प्रारंभ करना, और 7 दिन की रसी पाल करके देखो।
इतना आनंद आएगा कि हमने कोई बहुत बड़ा काम कर लिया है, और ये संयम जब हमारे जीवन में आएगा, तप जब हमारे जीवन में आएगा, कई गुना आनंद हमें प्रकट होगा। बंधु अनेकों बीमारियां दूर हो जाएंगी, आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं पड़ेगा। जितने मरीजों हमसे आकर के मिलो, और उपवास कैसे करना हम आपको बता देंगे, कष्ट नहीं होगा किंतु आपके कई गुना आनंद आएगा। अब आगे आप लोग पुरुषार्थ करने वाले हैं, तो क्यों ना इस पर्युषण पर को अपने तप और आनंद के साथ व्यतीत करें और संयम की राह चले, निश्चित हमारा जीवन आनंदमय बनेगा, बने इसी मंगल भावना के साथ। बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। जय जय। सभी के लिए सूचना है, आगामी संस्कार सेवा की किट वितरण का कार्यक्रम 1 सितंबर से प्रारंभ हो जाएगा इंदौर वालों के लिए। बाहर वालों के लिए पहले इंदौर वालों को वितरण किया जाएगा, उसके बाद बाहर वालों को वितरण का 4 या 5 तारीख से करेंगे। इसलिए आपने जो रसीद कटाई है ऑनलाइन, आपने जो बुकिंग कराई है, वो स्लिप आप लेके आएंगे। 1 तारीख से किट वितरण का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। शांति परम पूज मुनिवर का साहित्य विक्रय केंद्र उपलब्ध है। आप अपने परिवार के लिए, गिफ्ट में देने के लिए, जिनालय में रखने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। साहित्य केंद्र में साहित्य का अवलोकन करके अवश्य लेकर जाएं। आइए इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ साथ, हाँ जी, एक सूचना और है। कल से 16 कांड पर विशेष प्रवचन माला प्रारंभ हो रही है, और कल पहला प्रवचन होगा दर्शन विशुद्धि पर। आइए चलते हैं इन्हीं सभी सूचनाओं के साथ जिनवाणी स्तुति के माध्यम से आज की प्रवचन श्रेणी।